पेट्रोल बाइक सच में ज़्यादा स्मूथ है, इसीलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। सर P150 का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैंडलिंग भी बहुत शानदार है। देखो इस तरह से मैं बाइक को मनोवर कर रहा हूँ, चलाने के मामले बहुत ज़बरदस्त है। और बाइक को चला के देखे, देखो चलाने के मामले में भी बाइक जबरदस्त है। अब बात है कि ओनली बाइक इन द सेगमेंट विच ऑफर्स LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे सामने देख पाओगे है आज को न्यूली लॉन्च द पल्सर P150। तो देख पाओगे ये वाला पल्सर P150 का न्यूली लॉन्च्ड बाइक है जो पल्सर ने लॉन्च किया इन द सेगमेंट ऑफ पल्सर सीरीज। और ये देख पाओगे बनर्जी बजाज का जो आउटलेट है जो सागरभंगा वाला रोड में है, उसका ही यहाँ पे मैं आज को वीडियो करूँगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं बाइक पर। तो सबसे पहले देख पाओगे यहाँ पे पल्सर का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये वाला P150 मॉडल है। तो यहाँ पे देखो P150 का भी आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और सबसे पहले बात करें भाई बिना किसी देरी का द स्टेट ऑफ द मैटर, वो है इंजन। तो इंजन प्रोड्यूस करता है नियर अबाउट 14.5 BHP एंड टॉर्क है 13.5 Nm का टॉर्क, जो कि एकदम सही बात है। और ये बोला जाए तो 150 cc सेगमेंट में सबसे अच्छा पावर फिगर्स है इन द सेगमेंट ऑफ 150 cc। और एक चीज देख पाओगे यहाँ पे बजाज का मतलब कोई पेटेंट DTSI मतलब डिजिटल ट्विल स्पार्क और डिजिटल टिपल स्पार्क नहीं आता है, तो एक सबसे मतलब डाउनसाइड वाला बात है। चलो ये बजाज का न्यूली लॉन्च्ड इंजन। और यहाँ पे देख पाओगे ये किक स्टार्टर भी आपको देखने को मिलता है सेल्फ के साथ ही। और ये इक्विप्ड आता है फ्यूल इंजेक्शन साथ 2-valve इंजन प्रोड्यूसिंग 14.5 HP एंड 13.5 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे देख पाओगे बजाज का लोगो है, यहाँ पे इंजन में कितना ऑयल है वो ग्लास चेंबर है जहाँ से आप देख पाओगे। और सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जो एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली है, ना कि साइड माउंटेड एग्जॉस्ट है। और यहाँ पे देख पाओगे जो स्विंग आर्म है वो भी ब्लैक कलर का सही लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो भाई एक चीज़ देखने को मिलेगा वो है मतलब पिलियंस का जो भाई बोला जाए जो राइडर का जो फुट पैक है उसका भी क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। वो मतलब एल्यूमिनियम का है जो NS 200 में आता है, आई थिंक वही वाला P50 में कंटिन्यू कर दिया गया, जो कि सही बात है भाई। और यहाँ पे देखोगे पीछे वाला जो ब्रेक है उसका भी क्वालिटी एल्यूमिनियम का सही है। और यहाँ पे देख पाओगे पीछे वाला जो राइडर मतलब पिलियन के लिए जो बैठने वाला जो फुट स्पेस है उसका भी क्वालिटी मुझे फिलहाल सही लगा है। आई थिंक ये NSRS से यूज किया गया है। चलो जो जो भी है सही है। और ये वाला जो पल्सर P150 है ये बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें देखो डुअल डिस्क नहीं आता है, ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है। अगर आप डुअल डिस्क वाला भी लेना चाहो तो वो भी सही रहेगा, लेकिन एक चीज़ बोल दूँ आपको मिलेगा फुल्ली मतलब सिंगल चैनल ABS के साथ ही मिलेगा, वेदर यू गो फॉर डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क इस वो मैटर नहीं करता। तो ये बेस मॉडल है सिंगल डिस्क वाला। यहाँ पे देख पाओगे ABS का ब्रांडिंग भी है, तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पे देखो एक बड़ा सा ठीक ठाक 260 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, कन्वेंशनल पेटल डिस्क नहीं है। और इसका सामने देखो ABS रिंग भी आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला यहाँ पे देखो एक चीज़ अच्छा लगता है बजाज का कि बजाज यूज़ करता है स्टील बेडेड लाइन, तो यहाँ पे देख पाओगे स्टील बेडेड लाइन है। और ABS सेंसर का जो वायर है वो भी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। और ये एंड्यूरेंस कंपनी का ही जो मास्टर सिलेंडर आता है या ब्रेक कैलिपर जो बजाज खुद का यूज़ करता है वही है। और तो फिलहाल ये सब जो पॉइंट था मैंने बता दिया। और यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे इंजन से नीटली इंटीग्रेटेड किया गया है बाय कैटलेटिक कन्वर्टर। तो यहाँ पे देख पाओगे इंजन हेड से निकलता हुआ कैटलेटिक कन्वर्टर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 सेंसर भी है। और इंजन के नीचे जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल फिल्टर वाला चेंबर है जहाँ से इंजन का ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, सेम लाइक NSRS। और यहाँ पे देख पाओगे इंजन का नीचे आपको बेली पेन भी देखने को मिलता है, तो ये भी अपने आप में शानदार बात है भाई। और इस पोर्शन में आ जाते तो यहाँ पे टायर साइज आपको देखने को मिलेगा C8 जूम प्लस। तो इसका जो विड्थ है नियर अबाउट 110 सेक्शन का टायर है वो विद 17 इंचेस एलॉयज, तो जो कि सही बात है। एलॉयज में एक चीज़ अच्छा लगा कि एलॉयज थोड़ा ग्रे कलर में है और तो उसमें वाइट शेड्स भी दिया है, जो कि देखने में अपने आप का मतलब अच्छा बात है। और यहाँ पे देखोगे ये चेन एडजस्ट करने के लिए होता है, यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स है तो मार्क्स के हिसाब से आप चेन एडजस्ट कर सकते हो। और इस एंगल से भी देखो बाइक देखने में नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रंट पोर्शन में आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल न्यू LED हेडलैम्प। तो अगर इसको ऑन किया जाए तो यहाँ पे देख पाओगे ये जो LED हेडलैम्प है देखने में अच्छा लग रहा है। और 150 का सामने में आ जाते हैं तो एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है कि दिस इज द ओनली बाइक इन द सेगमेंट विच ऑफर्स LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और कोई बाइक में नहीं है इस सेगमेंट में स्पेशली 150 cc सेगमेंट में। और ये भी सही बात है। और इस एंगल से आ जाते हैं तो इस एंगल से भी बाइक देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। और टैंक पोर्शन में देखोगे यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ है, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 15 लीटर्स का है। और इस पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग तो बाइक के इस पोर्शन से भी देख पाओगे। और यहाँ पे देखोगे इंजन का जो वेंट्स है वो ऑफकोर्स भाई एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जो भी है सही है। इसमें बजाज का पेटेंट DTSI ट्विन स्पार्क या ट्रिपल स्पार्क नहीं मिलता है, सिंगल स्पार्क पर मिलता है, तो ये मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। और इंजन के इस पोर्शन में आएंगे तो आपको मिलेगा मतलब गियर शिफ्ट मतलब गियर सीट वाला लीवर, तो ये ऑफकोर्स भाई 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, 1 down 5 अपर बीच में न्यूट्रल। तो इसका भी मैं अभी जस्ट बाइक का राइड रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा कि चलाने में कैसा है, मज़ा कैसा देता है। तो इसमें आपको भाई 2 stand मिलेगा, सिंगल स्टैंड भी मिलेगा, देखो यहाँ पे डबल स्टैंड भी मिल रहा है। और यहाँ पे देखोगे इस पोर्शन से भी तो बाइक देखने में कहीं ना कहीं बेटर ही लग रहा है भाई, नो डाउट। और सीट भाई स्प्लिट नहीं है, सीट पूरा लंबा है, ये बेस मॉडल है। तो यहाँ पे देखोगे राइडर के लिए भी सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा है, पिलियन के लिए भी सीट कम्फर्ट बहुत अच्छा है, पिलियन के लिए जो ग्रैब रेल है उसका भी क्वालिटी कहीं ना कहीं बेस्ट ही लग रहा है। और यहाँ पे देख पाओगे पीछे में जो पल्सर का जो ट्रेडिशनल जो LED बैकलाइट होता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विक किया गया मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है ताकि थोड़ा
थोड़ा सा और अच्छा लगे देखने में, मतलब ये बैक में आके थोड़ा सा इसके डाइवर्ट हो गया था कि देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखोगे बल्ब इंडिकेटर मिलता है भाई, तो इसमें हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि बजाज एक ऐसा गाड़ी मतलब बाइक बनाता है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है। यही एक बाइक है इन द सेगमेंट ऑफ 150 cc जिसमें भाई आपको मिलता है 14.4 bhp एंड टॉर्क मिलता है 13.4 nm का। और सबसे पहले बात करें तो भाई स्पीडोमीटर कंसोल का देख पाओगे यहाँ पे, सबसे अच्छा बात है कि यहाँ देखो हमें RPM मीटर भी मिल रहा है, यहाँ पे देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देख रहा है भाई। पल्सर P150 में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, डिस्टेंस टू MT और भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल रहा है भाई, लेकिन NSRS में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो बैटरी का लोगो भी दिखा रहा है, इंजन मेल फंक्शन, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है और यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मतलब अपर बीम लोअर बीम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल सब कुछ सही सीन है भाई, इसको बजाज बोलता है इन्फिनिटी डिस्प्ले जो कि देखने में सही लगता है। अगर हम इसको ऐसे ऑन करें तो देखो मीटर में क्या क्या दिखा रहा है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल एम्प्टी, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, सब कुछ आपको बेसिक डिटेल सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो क्रेजी सीन्स है भाई, मतलब ये चीज़ बजाज ने बहुत अच्छा इंडिकेट किया है। यहाँ पे ABS का लाइट भी आपको देखने को मिलेगा, न्यूट्रल का भी लाइट फिलहाल आपको देखने को मिलेगा, तो यह देखने में बहुत सही सीन है भाई। और इस एंगल से भी बाइक बहुत अच्छा लग रहा है। और एक खासियत बात, अगर भाई लोग अभी टूरिंग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडिया में टूरिंग बहुत पॉपुलर हुआ है, तो उसमें चाहिए भाई बाइक का, यहाँ पर अगर हम लोग मोबाइल को माउंट करते हैं तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि चार्ज कैसे होगा। देखो इसमें इनबिल्ट चार्जर आता है, देखो ये सबसे सही बात लगा कि इसमें इनबिल्ट चार्जर आता है, ये फुल्ली वाटरप्रूफ है क्योंकि इसका अगर कैप अगर आप अच्छा से बंद करते हो तो ये मतलब फुल्ली वाटरप्रूफ रहेगा। तो आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिया है। और यहाँ पे देखोगे इंजन किल स्विच भी है, तो स्विच गियर्स का क्वालिटी मुझे फिलहाल NS से तो बेटर ही लग रहा है, मेरा जो बाइक NS 200 है उससे तो मुझे बेटर लग रहा है। यहाँ पे देखो इंडिकेटर का जो स्विच है, हॉर्न का जो स्विच है, ये सब मुझे प्लेसमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो इंजन किल स्विच है वो भी सही है और जो स्टार्टर बटन है उसका भी फील फैक्टर मुझे सही लग रहा है। अब तो थोड़ा देर मैं बाइक चला के दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि मुझे पर्सनली कैसा लग रहा है बाइक। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप में जहाँ पे मैं राइड रिव्यू करूँगा। इज़ वेलकम इन टू द राइड रिव्यू ऑफ पल्सर P150। तो देख पाओगे एग्जॉस्ट नोट भी आई थिंक आप देख पाओगे, साउंड क्वालिटी भी सही है। इनफैक्ट अब यहाँ से जल्दी जल्दी जाएंगे और थोड़ा सा ही मौका मिला है मुझे फिलहाल राइड रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पे देख पाओगे, एक चीज़ बोलूँगा पल्सर P150 जो है चलाने के मामले में बहुत ज़्यादा है मतलब स्मूथ है, मतलब इंजन इसका इतना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है मुझे चलाने में कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही शानदार है। अभी मैं फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया हूँ भाई, देखो यहाँ पे फोर्थ गियर भी दिखा रहा है, आई थिंक आप देख पाओगे तो फोर्थ गियर भी यहाँ पे दिखा रहा है भाई। NSRS 200 में ऐसा भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है और भाई बजाज ने पल्सर P150 में दे दिया, तो जो कि सही बात है। और मीटर का जो विजिबिलिटी का बात करें तो वो भी मुझे फिलहाल सही लगा है चलाने में, नो डाउट एट ऑल। मतलब चलाने के मामले में मुझे पर्सनली भाई सच बोलूँ तो अच्छा लगा है मुझे। एंड इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा रास्ता घूमेंगे और इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई, फोर्थ गियर में इतना कम स्पीड में कर रहा हूँ और गियर बॉक्स का भी जो क्वालिटी है वो भी मुझे फिलहाल सही लगा है। अगर भाई गियर पोजीशन का बात करें तो गियर बहुत स्लिक शिफ्टिंग है और क्लच का जो पुल है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट है। और एक चीज़ बोलूँगा पल्सर जो नॉर्मल 150 है उससे इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जब चलाने के मामले में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अभी मैं फिफ्थ गियर अप्लाई कर दिया हूँ, आई थिंक अभी नियर अबाउट 4000 rpm का है, तो मुझे जितना एहसास लग रहा है कि ऑलमोस्ट 40-50 का स्पीड होगा इसमें, मुझे कोई मतलब उतना हैंडल बार पर उतना कोई मतलब सच बोलूँ तो भाई कोई मतलब वाइब्रेशन ही फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट फुट ब्रेक्स में भी मुझे कोई वाइब्रेशन नहीं लग रहा है, चलाने के मामले में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है, मतलब नो डाउट एट ऑल बाइक सच में ज़्यादा स्मूथ है। तो इसीलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ और बजाज को हेड्स ऑफ देना चाहूँगा कि भाई पल्सर P150 जो है बहुत ही अच्छा चीज़ अच्छा बाइक बनाया है। और इनफैक्ट देखो हैंडलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे देखो पल्सर P150 का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैंडलिंग भी बहुत शानदार है। देखो इस तरह से मैं बाइक को मनूवर कर रहा हूँ, चलाने के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। और बाइक को वो चला के देखें, देखो चलाने के मामले में भी पल्सर P150 ज़बरदस्त है। सच बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ही मौका मिला मुझे बनर्जी बजाज जो हमारा सागरभांगा के सामने जो शोरूम है वहाँ पे, चलाने के मामले में ज़बरदस्त है, स्मूथनेस तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई। आई थिंक थोड़ा सा ही मुझे राइड रिव्यू करने को मिला है, एक दिन और अच्छा से राइड रिव्यू करने को मिलेगा तो वो भी दिखाऊंगा। और गियर जो शिफ्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब चलाने के मामले में सच बोल रहा हूँ अच्छा लग रहा है। एंड ब्रेक्स का अगर टेस्ट कर ले तो देखो अभी ऑलमोस्ट थर्ड गियर में हूँ एंड पीछे का ट्रैफिक भी क्लियर है, पीछे का और BM का भी क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, पीछे सब कुछ मुझे अच्छा से क्लियरली दिख रहा है। एंड अभी जैसे थर्ड गियर में फोर्थ गियर अप्लाई किया हूँ एंड स्लैम ऑन द ब्रेक, ये सिंगल चैनल ABS वाला है, मतलब ड्रम सेटअप के साथ सामने डिस्क पीछे ड्रम, अप्लाई ऑन द ब्रेक्स। चलो ब्रेक्स का क्वालिटी भी मुझे बेटर लगा, मतलब इनिशियल बाइट अच्छा है, उसके बाद धीरे धीरे डिस्क थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए ब्रेक अच्छा से अप्लाई कर लेता है, तो जो कि सही बात लगा है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा ही चलाने को मिला था मौका, तो सब कुछ मैंने आई थिंक पॉइंट्स कवर अप कर ही दिया है, चलाने के मामले में भी बहुत सही है और ये एक बहुत ही अच्छा बाइक है इन द सेगमेंट ऑफ 150 cc। तो भाई हैट्स ऑफ फॉर बजाज फॉर मेकिंग सच अ गुड बाइक। तो ये देख सकते हो बनर्जी बजाज का ही यहाँ पे, यहाँ से मुझे टेस्ट राइड मिला था तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाया हूँ। एंड इनफैक्ट देख पाओगे, तो फिलहाल यहाँ पे रखते हैं बाइक को, उसके बाद
आई थिंक मैंने सब पॉइंट्स कवर अप कर ही दिया है पल्सर P150 का। तो इस एंगल से भी अगर आपको देखने को मिलेगा तो फिलहाल देखो यार, इस एंगल से भी बाइक कहीं ना कहीं तो बेटर लुक लगता ही है भाई, मतलब शानदार लुक है। और इसका जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसका भी थ्रो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार ऑन करके आपको आई थिंक दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आई थिंक आपको देखने को मिलेगा LED जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो भी देखने में कहीं ना कहीं शानदार लग रहा है। तो ये एक पल्सर P150 का सबसे खासियत बात है कि ओनली बाइक इन द सेगमेंट विच ऑफर्स LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, बड़ा सा प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और आई थिंक मैंने जो जो पॉइंट्स था मैंने सब कुछ बता दिया है, सामने का ब्रेक भी सही है, पीछे का भी ब्रेक कैलिपर का फीडबैक अच्छा है, ऑफकोर्स डुअल चैनल ABS तो नहीं आता, सिंगल चैनल ABS आता है, ये डुअल डिस्क वाला वेरिएंट भी नहीं है, सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है। तो एक चीज़ बोलूँगा, गुड बाइक इन द सेगमेंट ऑफ 150cc, और इसका मेन टक्कर होगा पल्सर का ही खुद का भाई पल्सर 150 से और यामा FZ के साथ। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय टुडेज़ व्लॉग्स, सो गाइस राइट सेफ राइट हार्ट अनमनी बी हैप्पी चीज़ों में मेरे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड माय सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दूंगा, और जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।